साक्षी महाराज ने सपा मुखिया पर कसा तंज, जैसे उल्लू को नहीं दिखता उगता सूरज, वैसे अखिलेश को नहीं दिखता विकास। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित जनसभा में उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी से सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा है। साक्षी महाराज ने कहा कि जैसे उल्लू को उगता सूरज नहीं दिखता, वैसे ही अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में विकास नहीं दिखता है। बहरहाल बाद में उन्होंने कहा कि वह किसी को उल्लू नहीं बोल रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि भाजपा सरकार में एक एक विकास कार्य ऐतिहासिक हुआ है। आज विपक्ष कहता है कि मोदी हटाओ, मगर जनता कहती है कि मोदी को सत्ता में बिठाओ। साक्षी महाराज ने कहा कि 2024 में कांग्रेस के पास एकमात्र सीट रायबरेली भी नहीं रहेगी। जब हमने रामपुर आजमगढ़ जीत लिया तो अब क्या बचा है, लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस साफ हो जाएगी, 80 की 80 सीट भाजपा जीतेगी। साक्षी महाराज ने कहा कि बहन जी समझदार हैं, इसलिए वो पहले ही चुपचाप बैठ गई हैं। जानती हैं कि मोदी के सामने कुछ नहीं होने वाला है। आने वाली जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का लोकार्पण होगा। अब जल्द ही समान आचार संहिता भी आएगी। साक्षी महाराज ने कहा कि आज आतंकियों पर सीएम योगी बुलडोजर चला रहे हैं। चुनावी मंच से साक्षी महाराज बुंदेलखंड राज्य के मुद्दे को भी हवा दे गए। कहा कि पता नहीं कब प्रधानमंत्री मोदी का मन आ जाएगा और फिर बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। पीएम किसी के कहने पर नहीं चलते, वह देश राज और जनता का हित देखते हुए निर्णय लेते हैं। ऐसा है कि लोग रात में सपना देखते हैं, विपक्ष इकट्ठा होकर के दिन में सपना देख रहा है, तो सपना सपना ही रहेगा। देख रहे हो मीठे सपने, सपने कब होते हैं अपने। नीतीश कुमार का कहना है कि वो अगर विपक्ष को एकजुट कर देंगे तो इस बार परिवर्तन आ जाएगा देश में। परिवर्तन तो आ ही गया देश में, ये मोदी युग है और हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी हो चुका है। इतना बड़ा परिवर्तन, जो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांग रहा था, वो 2 किलो आटा मांग रहा है, और कितना परिवर्तन चाहिए। इतना बड़ा परिवर्तन, सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ हो रहा है, मोदी हटाओ मोदी हटाओ। विपक्ष के पास कोई एजेंडा ही नहीं है कि मोदी हटाने के अलावा, और जनता ने कहा है मोदी को हटने नहीं देंगे, और विपक्ष कहता है रुकने नहीं देंगे। 2024 में पता चलेगा। जनता कहती है कि हमें मोदी चाहिए, तो ये क्यों उनके पीछे पड़े हुए। और जनता कहती है हमें मोदी चाहिए, उन्हें अपनी अपनी साख बचाने की आवश्यकता है, अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जनता है, सब जानती है, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, 2024 में 350 सीट से ज़्यादा लेकर मोदी सरकार बनने वाली। अच्छा, अखिलेश यादव को क्या कहेंगी, जो हमेशा कहते रहते हैं कि बेटो बांटो, बिना बेचो और बांटो। मतलब अखिलेश यादव जी से विनम्रता से हम ये कहना चाहेंगे, अपने पिता श्री की राजनीति कुछ सीखने का प्रयास करें, जैसे वो कद्दावर नेता थे, जमीनी नेता थे, नेता बनने